अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके YouTube पे व्यूज नहीं आ रहे तो आपको क्लिकबेट करना पड़ेगा। जब तक आप क्लिकबेट के बारे में नहीं जानते हो तब तक आप YouTube पे सक्सेस हो ही नहीं सकते हो। चाहे आप जो कुछ भी कर लो, जितनी भी मेहनत कर लो, जितनी भी वीडियोस बना लो, जब तक आपको क्लिकबेट नहीं करना आता तब तक जो है ना वो आप YouTube पे कामयाब नहीं हो सकते हो। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं वो क्लिकबेट करते हैं, जिनकी वजह से उनके जो है ना वो भर भर के व्यूज आते हैं। मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा किस तरह से आपने जो है ना वो क्लिकबेट। क्लिकबेट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जिंदा इंसान को जो ना वो मरा हुआ बता दो वीडियो में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ये होता है क्लिकबेट में कि आप किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा थंबनेल में और टाइटल में लिख लो ताकि जो है ना वो आपके व्यूज आए, हर बंदा क्लिक करे उस पर। ठीक है, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है ना बड़े बड़े यूट्यूबर लाइव प्रूफ बताऊंगा किस तरह से बड़े बड़े यूट्यूबर जो है ना वो क्लिकबेट करते हैं, और उसके बाद मैं आपको आगे फिर चल के बात करता हूँ। जी तो दोस्तों, हम लोग आ गए मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं सर्च बार में पहले आपको बता देता हूँ किस तरह से लोग जो है ना वो बड़े बड़े यूट्यूबर क्लिकबेट करते हैं। मैं मनोज दो लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं इनकी कोई वीडियो निकाल देता हूँ। ठीक है, कोई सी वीडियो मैं निकाल देता हूँ इनकी। ये वीडियो अभी इन्होंने डाली है। ठीक है, इस वीडियो में इन्होंने क्लिकबेट क्या किया ये देख सकते हैं आपने। इन्होंने जो है ना वो इस बंदे की वैसे सिंपल पिक्चर भी लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने सिंपल पिक्चर नहीं लगाई और इन्होंने थंबनेल किस तरह से लगाए, ये वीडियो देख के रोना आ गया। और ये देखें, अपनी आंखों में आंसू भी लगा लिए, ये आंसू नकली हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्लिकबिट के लिए जो है ना वो ज़्यादा लोगों को क्लिक करने के लिए इन्होंने ये सब ड्रामा किया। उसके बाद इन्होंने एक और ये वाली वीडियो डाली, इस पर इन्होंने जो है ना वो इस लड़की के हाथ में जो है ना वो गोल्डन प्ले बटन दे दिया, इस वजह से जो है ना वो, और इस वीडियो इस लड़की की वजह से ये किसी और को भी ला सकते थे, लेकिन इस लड़की को क्यों लाया, क्योंकि ये सबके लिए न्यू थी। तो सब ने देखा कि यार ये लड़की कौन है, इतने बड़े यूट्यूबर ने इनको जो है ना वो किया है। तो इसके अलावा एक और यूट्यूबर है, ये देख सकते हैं सिप्तेन ओलग, ये भी बहुत बड़े यूट्यूबर। इसने क्या लिखा हुआ ऊपर, लड़ाई हो गई। ठीक है, हालांकि इनकी लड़ाई नहीं हुई, मैंने इनकी पूरी वीडियो देखी है, लेकिन इन्होंने क्लिकबिट के लिए जो है ना वो ये काम किया है। ऊपर क्या लिखा है, लड़ाई हो गई। सारा कुछ क्लिकबिट के लिए लोग करते हैं, तो यही सब आपने भी करना है अपनी वीडियो में क्लिकबिट लेके। जी तो दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह से जो ना वो बड़े बड़े यूट्यूबर जो ना क्लिकबिट करते हैं। मैंने आपको लाइव प्रूफ बता दिया किस तरह से वो जो है वो आप लोगों के साथ खेलते हैं। खेलते तो नहीं है खैर, लेकिन ये है कि वो जो है ना वो आपके माइंड को रीड करते हैं कि लोग देखना क्या चाह रहे हैं। जब तक आप लोगों के माइंड को रीड करना नहीं सीखोगे तब तक जो है ना वो आप यूट्यूब पे कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते हो। चाहे आप जो कुछ भी कर लो, जो यूट्यूब पे जो है ना वो जो आपकी ऑडियंस देखना चाहती है, अगर आप उनको वो नहीं दिखाओगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। जो आप चाहते हो वो नहीं दिखाना, जो ऑडियंस चाहती है वो दिखाना है आपने, तब जाके आप जो है ना वो यूट्यूब पे सक्सेस हो सकते हो। इस तरह से आपने जो है ना वो क्लिकबिट करना है ताकि आपके जल्द से जल्द व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने लग जाएं, ताकि आप जो है ना वो जल्द से जल्द यूट्यूब पे सक्सेस हो सको। लेकिन एक बार मेरी आज याद रखना, लेकिन मेरी एक बात आज याद रखना, ये लिख के ले लो, जब तक आप क्लिकबिट नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस हो ही नहीं सकते हो। जब तक आप लोगों के माइंड रीड करना आपको नहीं आता तो तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।